Am I live? देख लो थोड़ा. यस होल्ड कर थोड़ा. सो हेलो 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 एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रीम. एंड हियर वी आर इन द सेकंड मैच ऑफ द डे टू का ब्लीड इलेट कस्टम्स. एंड सेकंड मैच इज सैनहॉक स्क्वाड. सो सॉरी, थोड़ा लेट हुआ स्ट्रीम में, थोड़ा दिक्कत था, नेट इशू था. मैडगन गो अल्फा. यस ब्रो, गो अल्फा बिल्कुल. सपोर्ट योर गाइस, सपोर्ट योर टीम हियर. एंड यहाँ पे फेड क्लाउन वाइटी पूरा आसमान को देखते हुए बोल रहे, क्या रंगीन नज़ारा है, भरे घने घने बादल, घनी झाड़ियाँ, घनी वादियाँ. क्या हो रहा है ये, घास क्यों देख रहा हूँ मैं इतना. यस 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 यस. एंड यस, ये सेकंड गेम भी स्पॉन्सर्ड बाय ब्रोसिस गेमर. बिग शाउट आउट टू ब्रोसिस गेमर. प्लीज़ जाइए उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, उनको स्पॉन्सर, उनको सपोर्ट कीजिए. सो जो भी ये मैच जीतेगा उनको 500 रुपीज़ स्पॉन्सर है ब्रोसिस गेमर के द्वारा. पहला मैच फेड ने जीता है और उनको मिल चुके हैं 500 रुपीज़ एज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रोसिस गेमर. एंड यर प्लेन आ चुका है, टोमाटो गेमिंग टीम PHX को दिखाओ. ब्रो प्लेन में अंदर नहीं जा सकता ब्रो, PHX के लिए ऊपर से देख सकते हो प्लेन के भाई. और यहाँ पे 90 बंदे यहाँ पे प्लेन में उड़ान भरते हुए. बूट कैंप पैराडाइस देखना है, कौन कौन बंदे उतरते हैं, हॉट ड्रॉप्स कौन लेते हैं. टीम PHX 25 और 11 बढ़ चुके हैं, 25 11 और 5 शायद. यस 25 11 और 5. यहाँ पे बूट कैंप की तरफ निकलते हुए पैराडाइस रिजॉर्ट खाली पड़ा है, सुन पड़ा है पैराडाइस रिजॉर्ट. वेरी स्ट्रेंज की पैराडाइस कोई भी नहीं गया है. वाओ, झुंड में जा रहे हैं बंदे, एक जगह में इकट्ठा, एक एक जगह में चार चार स्क्वाड, तीन तीन स्क्वाड निकलते हुए. और यहाँ पे बूट कैंप में शायद कितने स्क्वाड उतरे हैं. यस बूट कैंप में उतरे हैं तीन स्क्वाड, सॉरी तीन नहीं चार, चार स्क्वाड उतरे हैं बूट कैंप में. नंबर 9, नंबर 5, नंबर 25. यहाँ पे फाइट हो चुका है उमेक्स फ्लैश का डाकू के साथ. प्लीज बताए डाकू कौन से नंबर में. ये उमेक्स शायद, यस यहाँ पे हाइब्रिड जैगवर नॉक करते हुए डॉ निंजा को. हाइब्रिड जैगवर ने खत्म फिर से नॉक किया डॉ आदित्य को. यहाँ पे फाइट सामने देखते हैं, नंबर 1 नंबर 12 का फाइट होते हुए. 12 के डाकू विल्जैक्स, यस विल्जैक्स नॉक हुए थे, रिवाइव हो चुके हैं. 21 वर्सेस 12, वेरी अर्ली फाइट. यहाँ पे डो आकाश हाइब्रिड स्मोकी को मारते हुए देखते उनके तरफ. यहाँ पे हाइब्रिड के तीन बंदे नॉक, क्या हाइब्रिड इंसेन कुछ कर पाएंगे, लेट्स सी. हाइब्रिड इंसेन बहुत दूर है उनसे, हाइब्रिड इंसेन बहुत ही ज़्यादा दूर है उनसे, बचाना बहुत मुश्किल है. क्योंकि यही इसी होता है कि आपको क्लोज इन रहना चाहिए अगर आप हॉट ड्रॉप ले रहे हो बंदे के साथ तो. आप यस क्या बोल रहे थे आप, टीम 25 और टीम 11. और यस यहाँ पे बूट कैंप में 25 टीम 11 9 का फाइट होता हुआ देखते हैं. सैंडविच का पोजीशन में 25 है, आगे 11 पीछे 9, आगे कुआ पीछे खाई, जाए तो कहाँ जाए भाई. पूरा यही ऑप्शन है उनके पास कि जाए कहीं नहीं जा पाएंगे, अंदर पिसके रह जाएंगे. अगर यस 11 का रोटेशन लेफ्ट रोटेशन ले लिया है, अगर 11 आगे आते तो शायद सैंडविच कर सकते थे 25 को, पर उनको पता नहीं कि 25 के कितने बंदे कहाँ पे होल्ड कर चुके कर रहे हैं. यहाँ पे 5 बैकअप कर चुका है ऑलरेडी, नंबर 5 टीम 5 बैकअप करके 3 वायरस की तरफ जाता हुआ. उनको सेफ नहीं लगा क्योंकि ऑलरेडी तीन स्क्वाड ऑलरेडी अंदर है, तो इट्स नॉट सेफ टू स्टे देयर. नंबर 9 का यहाँ पे दो बंदा
डू एरोसिस के पास, यहाँ पे TT9 आउटलुक पेस के अनुज को नॉक करते हुए, दारू डाकू के रिक्सन करते हुए इनको, और हाइब्रिड के इंसेंट डॉ को आप देख सकते हैं, जैसे उर्बन यहाँ पे पूरा गन तगड़ा वाला फाइट चल रहा है, देखते हैं कहाँ पे फाइट चल रहा है। बिल्कुल यहाँ पे नंबर 13 में फाइट चल रहा है, बैड एस यहाँ पे 21 का फाइट हो गया, इधर 13 और 21 का यहाँ पे नॉक हो चुके हैं। T69 डेविल ने नॉक किया है 23 के बंदे को, डाकुरिन ने विनिक विनो को नॉक किया, हाइब्रिड इनसे ने ख़त्म किया डॉ आकाश को, इग्निट ने अर्बन अमन ओपी को पूरा ख़त्म किया। ऑलरेडी T69 ऑलरेडी दो बंदे अपने खो चुके हैं, देखते हैं क्या क्या होता है। 13 अकेले पूरा पुश कर रहे हैं ओपन से, 23 को पूरा पुश कर, नंबर 13 23 को पूरा पुश कर, यहाँ पर बहुत तगड़ा स्प्रे स्कोप आउट करके यहाँ पर ख़त्म किया पूरा TT9 को पूरा। बहुत जल्दी सबसे अर्ली एग्जिट लेते हुए TT9 नंबर 23 में एग्जिट लिए हैं, 13 ने पूरा बहुत आसानी से ख़त्म किया है, पर अपने दो बंदे भी खो दिए हैं। यहाँ पे पहला ड्रॉप आता हुआ हाथीन में, नंबर 6 अकेले हैं हाथीन में, सॉरी ड्रॉप नहीं, फ्लेयर ड्रॉप है ये, नंबर 6 के पास यहाँ पे फ्लेयर ड्रॉप। कितने फ्लेयर इधर, इधर नंबर 6 के पास दो फ्लेयर है, यस नंबर 6 के पास दो फ्लेयर हैं, देख सकते हैं आप फ्लेयर में क्या है, देखते हैं MK14 और लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट। यहां पे LG ड्रग धूप अरवन को सेफ को पूरा बम फोड़ के उड़ा दिए, देखते हैं कहां पे फाइट चल रहा है। 11:25 और 5:5 यहां पर एंटर कर चुका है ब्रूट कैंप, यहाँ पे 4 स्क्वाड ऑलरेडी होल्ड करके रख रहे हैं, बिल्कुल पोजीशन होल्ड करके रख रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि स्टार्टिंग कैजुअलिटी बहुत दिक्कत देने वाला है। यहाँ पर नंबर 10 का फाइट हो रहा है, नंबर 10 इग्नाइट बहुत लो है, ओके ये खत्म कर शायद खत्म किए हैं नंबर 10, इनके पास जो भी थे यस पूरा क्लियर कर चुके हैं नंबर, क्योंकि 10 यहाँ पर बहुत लो HP थे। बूट कैंप यहाँ पे ठंडा पड़ा, ये हमको बिल्कुल कत्ते ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। सिंकोपी यस कत्ते ही मतलब बूट कैंप में फाइट नहीं चल रही है, क्या हो रहा है, सकुनी मामा बैठे हैं और तुम झगड़ा नहीं कर रहे हो इधर, ये कैसे हो सकता है। और यहाँ पे बूट कैंप में थोड़ा सा प्रहार देखने को मिल सकता है AKM का, और यहाँ पे नंबर 9 का फाइट हो चुका है इधर 11 के साथ, शायद 11 मिड बिल्डिंग होल्ड करते हुए, मेन बिल्डिंग होल्ड करते हुए 11 यस नंबर 5 में हमें फायर दे रहे हैं। ओके नंबर 5 यहाँ पे नंबर 5 के एक बंदे बहुत दूर है, यहाँ पे गंदा नेट्स मारते हुए नंबर 5 नंबर 25 को अकेले पाते ही बिल्कुल निहत्ता बंदा को। और इधर टीम PSX का नेफो वाइट यहाँ पे FTW यहाँ पे नॉक पड़े, रिवाइव होने का चांसेस बहुत कम है, देखते हैं क्योंकि 5 यहाँ पे होल्ड करके रखे हैं बिल्कुल। यहाँ पे 5 अकेला बंदा, 9 और 11 का तगड़ा फाइट चल रहा है, चलिए देखते हैं बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि देखो यार हमको तो झगड़े में मज़ा है ना, क्या करें बिग बॉस देखते हैं ना। कहाँ पे किस में फ्लेयर चला ली, ओके कोई नहीं, यहाँ पे थोड़ा फाइट देखते हैं, यहाँ पे दूर का कोई दूर से फाइट चल रहा है, यहाँ पे फाइट चल रहा है, इधर नॉक हुए बैड स्नाइपी, और ये फिर से बैड स्नाइपी नॉक होते हुए आज उनका परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि कल बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस दिया था उन्होंने। यहाँ पे वाइपर T1 ने हेलबॉय ख़त्म यहाँ पर नॉक किया हेडशॉट से, स्नाइपी रिवाइव हो जाएंगे क्योंकि मेन बिल्डिंग और कोई होल्ड नहीं किया है, नंबर 11 सिर्फ मेन बिल्डिंग होल्ड कर रखा है। यहाँ पे जोन के बाहर यूनेक्स का बंदा कैम चार्ली, वहाँ पे जोन को आना पड़ेगा क्योंकि जोन क्लोज इन हो चुका है, फर्स्ट जोन ऑलरेडी क्लोज इन हो चुका है, सेकंड जोन देखते हैं कहाँ पे बनने वाला है। ये रहा जेनसिफ्ट ऑन बोर्ड कैम फिर से जोन के बीच में, एज हम बोले थे मिड रेंज बहुत प्रायोरिटी रहता है जो भी होल्ड करता है बोर्ड कैम। पैराडाइज भी बहुत ईजी था अभी भी जोन में, पर अलास कोई नहीं गया है पैराडाइज में, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 11 नंबर थोड़ा एरियल व्यू से दिखाते हैं आपको, यहाँ पे टीम नंबर 5 का एक बंदा नॉक हुआ और उनको रिवाइव होना मुश्किल है क्योंकि टीम टॉक्सिक बहुत थोड़ा दूर है, शायद घूम के जाएंगे रिपर को बचाने के लिए। वेगजोन और इंसेन उनके पीछे पीछे उनका कवर देते हुए नंबर 9 राइट वाले वेयरहाउस होल्ड करते हुए 11 होल्ड करके रखे हैं मिड बिल्डिंग,
25 पीछे वाला कंपाउंड होल्ड कर रखे हैं, देखते हैं। ऑलरेडी बूट कैंप चारों तरफ से घिर चुका है, बस एक और एक जगह में चाहिए बूट कैंप। मैं और जगह होल्ड कर दूँ, पूरा कैरम खेल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे सिंक स्लेयर यहाँ पे डॉ निंजा को नॉक करते हुए, 8-3 का फाइट चल रहा है उधर। 8 यहाँ पे स्मोक प्राइम यहाँ पे नॉक होते हुए, रिवाइव हो जाएगा, बिल्कुल रिवाइव मिलेगा पर, यस रिवाइव मिल जाएगा बिल्कुल। नंबर 3 के बंदे बाहर हैं, जोन के बाहर हैं। आदित्य यहाँ पे जोन का जोन ओके जोन का क्लोजिंग हो, जोन के पास हैं पूरा। क्या वो पुश करेंगे देखते हैं, अकेले बंदे बचे हैं पूरा। डॉ निंजा और आकाश वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। स्लेयर वहीं पे सोए पड़े हैं पूरा साफ बन के। नागिन डांस नाचने का प्लान में थे पर अभी थोड़ा पीछे हट गए हैं। और आदित्य अपना यहाँ पे मारते हुए बैंडेजेस, क्योंकि उन पर ज़्यादा हीलिंग्स नहीं है जितना कि मुझे लग रहा है। देखते हैं नंबर 8 क्या करते हैं, देख के भाई आदित्य कहीं हार्ट में ना फट जाए नेड भाई। और ये ओपी नेड, ओपी नेड भाई, दो आदित्य क्या नॉक किया है सिंह ब्राइट को। यहाँ पे आदित्य ने बहुत तगड़ा नेड किया, और शायद यस और भी नेट डालना चाहेंगे उधर से। लेट्स सी क्या ये नेट कनेक्ट होगा। और तो ये पूरा रॉकेट की तरह ऊपर फटा है पूरा। यहाँ पे फिर ऑल ऑलवेज ओके, यहाँ पे सांप ने मार दिया सांप को। जैसे हमको पता है सांप ही काटता है सांप को, क्योंकि इंसान तो नहीं काट सकता सांप को। यहाँ पे 11 का फाइट हो रहा है और ये नॉक हुआ स्नाइपी फिर से, एंड कंसेक्यूटिव सेकंड टाइम नॉक होता है स्नाइपी। टॉक्सिक बैड स्नाइप यहाँ पे नॉक होता हुआ रैग्नारोक जॉनविक को ख़त्म करते हुए। देखते हैं एरियल व्यू से क्या स्नाइपी, क्या बचना मुश्किल है। ये स्नाइपी अकेले यहाँ पे, उनका पास में कोई भी नहीं है। क्या देखते हैं स्नाइपी क्या होता है। ये स्नाइपी को बचाने डैडी आ चुके हैं ऑलरेडी। टीम PHX का शॉट यहाँ पे बैकफायर देते हुए पर कनेक्ट नहीं कर पाए, बहुत सही मौका था। ओके यहाँ पर 9 भी था ना, यहाँ पर 9 शायद ख़त्म हो चुका है टीम 9 नहीं टाइम ओके 9 यहाँ पर था ना, ओबीएस बूट कैंप में ही था 9 शायद। ओ यस 9 और ख़त्म हो चुके हैं, यस 9 ख़त्म हो चुके हैं ऑलरेडी। देखते हैं क्या होता है। 25 बैकआउट कर रहा है, कहाँ से बैकआउट कर रहा है 25 बैकआउट कर रहा है बिल्कुल, देखेंगे उनको 25 बैकआउट। वो शायद सामने कोई बंदा है नहीं, ओपन में खड़े हैं, मुझे लगा पेड़ के पास खड़े हैं। यहाँ पे 7-6 का फाइट होते हुए, 7 खत्म होते हुए पूरा। टीम सेवन फाइट हो रहा था, 6 और 7 के साथ फाइट चल रहा था। ये 7 का थोड़ा स्प्रेड रखे हैं। देखते हैं अल्फा ओपी क्या करते। कल के मैच में भाई साहब ने 10 किल निकाले थे, बिल्कुल काट के रख दिया था बंदों को। देखते हैं आज ये इनका क्या स्ट्रेटेजी रहता है। पाइनान में होल्ड करके रखे हैं शायद, पाइनान में होल्ड कर रखे हैं। अल्फा पाइनान के बाहर है, उनके बंदे देखते हैं कहाँ का एमसॉप कहाँ पे। यस एमसॉप बहुत दूर है उनसे, जिक्स यहाँ पे थोड़ा दूर है एमसॉप के पास, बीस्ट ओपी दूर है, थोड़ा दूर मिड डिस्टेंस मेंटेन कर रखे हैं पर दे शुड कम क्लोज, क्योंकि जोन क्लोजिंग हो चुका है एंड कभी भी कहीं से भी फटका पड़ सकता है। जोन के अंदर अभी बहुत कम स्क्वाड बचे हैं। अभी नंबर 8 का यहाँ पे फाइट हो चुका है, यस नंबर 8 का यहाँ पे फाइट हो चुका है 18 के साथ। और सिंक ब्राइट यहाँ पे M24 पकड़ के बैठे हैं, क्या फटका दे पाएंगे, चांटा दे पाएंगे नंबर 18 के बंदे को। बिल्कुल स्टे ट्यून्ड रहिए देखने के लिए। सिंक जीजी ओके ब्रो, सिंक जीजी इन द चैट। और ये फाइट चल रहा है 8 और 18 का एक बंदा जोन के बाहर डैमेज लेते हुए। इनका क्या स्ट्रेटेजी पता नहीं चल रहा है मुझे, शायद ये लोग अंदर आने नहीं दे रहे हैं। सिंक ब्राइट 10 HP में है फिर भी बोल रहे हैं नहीं मारूंगा, मार के ही रहूंगा, मेरे पे हीलिंग ना हो फिर भी मैं मारूंगा उनको। सेंटर ऑफ जोन यहाँ पे फाइट चल रहा है, बिल्कुल मजा है। क्या कर रहे हैं बूट के में बंदे, मारो यार क्या कर रहे हो तुम लोग, चलो लड़ो मरो। और ये फाइट स्नाइपी का अच्छा स्प्रे था और स्नाइपी का स्पिक ओके। नंबर 5 नॉक यहाँ पे, नंबर 11 का एक बंदा नॉक। स्नाइपी यहाँ पे डोमिनेट करते हुए, नंबर 5 का दो बंदे ऑलरेडी नॉक है। यहाँ पे 5 को पूरा यहाँ पे ख़त्म करते हुए, नंबर 5 को पूरा डोमिनेटेड कर लिया है।
बैड का टीम ने बिल्कुल बैड का टीम ने पूरा डोमिनेट कर लिया बूट कैम्प को, बूट कैम्प उनके अधीन है, और ये किल निकालते हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8 किल निकालते हुए पूरा दोनों स्क्वाड को उन्होंने पूरा कंप्लीट किया है। और जी जी इन द चैट बैड बैड जी जी इन द चैट अल्फा ओपी अल्फा ओपी अल्फा सुमिता अल्फा ओपी ओके अल्फा। एंड अगेन मैं बोल रहा हूँ ये स्ट्रीम ये मैच स्पॉन्सर्ड बाय ब्रोसिस गेमर वाईटी ब्रोसिस गेमर सॉरी नॉट वाईटी ब्रोसिस गेमर, प्लीज उनको सपोर्ट कीजिए, जाइए उनके चैनल में, देखते हैं ये पानी के बीच ये पानी बना है, देखते हैं ये बहुत तगड़ा होने वाला है। लिक्विड यहाँ पे पानी है बीच में बिल्कुल एक जोन को आधा आधा हिस्सा में बांटते हुए, देखते हैं जो पानी के उस तरफ ये जब जोन बनता है ना बहुत दिक्कत होता है बंदों के इधर उधर आने में। यहाँ पर नाइट 13 का फाइट चल रहा है इधर, यस 13 और 1 फेड का फाइट हमको बहुत जल्दी देखने को मिला इस बार, मुझे तो लगा था लास्ट जोन में देखने को मिलेगा। बोलिए यस यहाँ पे पता नहीं 16 समझा नहीं 7 और अल्फा ओके 7 और 25 के इंटरेस्टिंग फाइट 7 और 25 बहुत इंटरेस्टिंग फाइट चल रहा है। देखते हैं यहाँ पे एमसॉप नॉक पड़े हैं यहाँ यहाँ पे पीएचएक्स टीम पीएचएक्स का एक बंदा नॉक पड़ा है टीम यहाँ पे एमसॉप भी नॉक पड़े हैं, बचाना चाहेंगे बिल्कुल बचाना चाहेंगे यस घर में जाके बिल्कुल बचाएंगे जिक्स उनको। यहाँ पे अल्फा ओपी वॉल पकड़ते हुए उनको पता है बंदे सामने हैं पर ये कुछ नहीं कर पाए क्योंकि उनके सामने एक सांप लेटा पड़ा है, और ये कंप्लीट किए अल्फा बिल्कुल कंप्लीट करेंगे किल निकालेंगे 25 का बंदा थोड़ा स्प्रेड होके रखे हैं यहाँ पे नॉक किए 25 पीएचएक्स को और एक नॉक किए जिक्स ने खत्म किया 25 बंद एक नॉक और लास्ट बंदा बचा है पीएचएक्स नियो एफटीडब्ल्यू बिल्कुल अब रश करने वाले हैं ये चार बंदे उन पे तगड़ा प्रहार देने वाले हैं बिल्कुल, और ये अल्फा जाता हुआ और ये ख़त्म कर दिया अल्फा उनको। यहाँ पे पास में और एक फाइट 7 का चल रहा है फाइट 16 नंबर का फाइट चल रहा है दिल्ली देखते हैं रेक्ट वालों का फाइट चल रहा है रेक्ट यहाँ पे नॉक पड़े हैं और ख़त्म और रेक्ट का समाप्ति होता है जर्नी यहीं पे नंबर 16 पे रखा मतलब प्ले जोन से ओजी मैक नॉक होते हुए ओजी मैक पे नॉक यहाँ पे जोन के यहाँ पे फाइट चल रहा है नंबर 8 का सिंक और नंबर 8 और नंबर 12 का फाइट चल रहा है इधर बहुत क्लोज है सब जोन के घुसने के चक्कर में है सब लेट्स सी। यहां पे डाकू का फाइट चल रहा है नंबर 12 का डाकू का फाइट चल रहा है चलिए देखते हैं डाकू का डाकू रिक्सन यहां पे होल्ड कर रखे हैं बिल्कुल आने नहीं देना चाहते हैं नंबर 8 को क्योंकि ये सब जोन के बाहर है नंबर ये स्ट्रेटेजी समझ नहीं आया यस स्प्रेड होकर नंबर 12 जा रहे हैं नंबर 18 के पास एक बंदा नंबर 12 और एक बंदा उधर जा रहे हैं टॉस नॉक होते हुए 18 यहाँ पे 12 का बिल्कुल फाइट चल रहा नंबर 12 नंबर 18 का पूरा तगड़ा वाला फाइट चल रहा है यहाँ पे यहाँ पे नंबर 18 पेड़ के पीछे दो यहाँ पे मोली आया पर मोली स्ट्राइक नहीं किया उनको यहाँ पे फाइट चल रहा है सिंक का चल रहा है स्लेयर का चल रहा है इधर जोन के इधर बस इसको जोन में आना है अंदर वो देख रहे हैं 8 और 18 और 12 का क्लैश होने वाला है और ये 18 का टीम ओजी नॉक डाकू रिक्सन के द्वारा डाकू रिक्सन अकेले बचे अपने स्क्वाड के देखते क्या कर पाते हैं क्योंकि उनके सामने दो स्क्वाड है नंबर 8 और नंबर 18 शायद उनका फाइट हो चुका है और ये और डाकू का यहाँ पे ख़त्म होता हुआ जर्नी इधर नंबर 18 यहाँ पे नंबर ओजी का और ये देखते क्या होता है यहाँ पर प्राइस नॉक पड़े हैं डीएलए टॉक्सिक का बहुत तगड़ा 6x स्प्रे था और प्राइस नॉक पड़े हैं प्लेजर में अल्फा फ्रॉस्ट नॉक होते हुए मैंने बोला था बहुत बिजी स्प्रे क्राउन वाइटी को क्राउन वाइटी भी नॉक हम से टॉक्सिक इन द चैट टॉक्सिक ने 1v3 कर दिया पेड को बिल्कुल 1v3 कर दिया है उनको एक बच्चा ओपी बॉय बचाएंगे वो बिल्कुल
अब देखते हैं 10 टीम्स 29 अलाइव और जोन काफी बड़ा है अकॉर्डिंग टू मेरा मार। यहाँ पे 14 का चल रहा है। यस बिल्कुल छोटे छोटे रीजेस के अंदर आने चाहेंगे 18 अकेले बच्चे हैं, नंबर 14 पूरा घेर के रखे हैं उनको, शायद जोन में नहीं देना आना चाहते हैं। बैड साइबर ब्लीड अल्फा 9 टीम्स बचे हैं फिर भी अभी जोन में बाहर बहुत ज्यादा दूर है 19 और 24। 2 ओपी के सिर्फ 2 बंदे बचे हैं, वो जोन में आना है बिल्कुल कोशिश करेंगे और 7 सेकंड में क्लोज इन होने वाला है जोन, बहुत दिक्कत होने वाला है ये बहुत। ये सेकंड लास्ट जोन है, थर्ड लास्ट जोन है और ये बहुत बीटी देने वाला है, ये इसके बोलते हैं डेड जोन, ये बहुत ज़्यादा डैमेज देने वाला है। लेट्स सी यहाँ पे 11 होल कर रखे हैं, उनको शायद पता है कि नहीं, उनको नहीं पता है वो जोन कोशिश कर रहे हैं। ड्रैगनर शायद एक्सपेक्टेड, यस जोन काटने के चक्कर में ये है 24 का। लेट्स सी ड्रैगनर क्या करते हैं, ये स्पोर्ट खत्म करेंगे, रियो बच गए हैं, वो रेडमी का अच्छा वॉक, अच्छा डिसीजन था जोन जाने के लिए क्योंकि ऑलरेडी जोन क्लोजिंग हो चुका है। इधर 7 का फाइट चल रहा है, इधर ब्लीड अल्फा, ब्लीड अल्फा का फाइट चल रहा है, ब्लीड का चल रहा है फाइट, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। ब्लीड का फाइट चल रहा है, यहाँ पे अल्फा नॉक होते हुए जगुआर को देखिए, यस अल्फा बिल्कुल बचे हुए 19 का फायर चलता हुआ देखते हैं और यहाँ पे प्ले जोन से डीएनए टॉक्सिक नॉक होते हुए अल्फा ने इसकी बैड स्नाइपी को डाउन किया है और बैड स्नाइपी यहाँ पे खत्म होते हुए वाइपर और बैड के 2 बंदे डाउन एंड ही दे आर टू नंबर दे आर ऑन टू नंबर 2। पिछले मैच में हम देखे वो नंबर 2 है, उजी का नॉक किए हैं 2 ओपी के से पहले ही बंदा बचा है। देखते हैं जूनियर यहाँ पर नॉक है, सेन को यहाँ पर रिवाइव करेंगे बिल्कुल और देखते हैं कुछ करेंगे और ये स्प्रे देते हुए वाइपर टीम नंबर 7 का यहाँ पे ऊपर अल्फा ओपी का स्प्रे देते हुए स्मोकी को खत्म किया पूरा, उनको असल पता नहीं नंबर 2 का और एक बंदा वहाँ पर पीछे है, यहाँ पर नंबर 7 का फाइट होता हुआ। देख लो अल्फा यहाँ पे 3, 4, 7, 8, 9 किल निकालते हुए बिल्कुल टॉप ऑफ द टेबल, देखते क्या कर रहे हैं ये। और ये एमसॉप यहाँ पे घास में लेटे हुए गिली शूट के साथ और ये स्प्रे दिए बिल्कुल पास में, खत्म 20 टोपी 7 जिक्स बच जाएंगे जोन के अंदर। अल्फा यहाँ पे अल्फा अंदर से देखते अल्फा ने ले लिया दो बंदों को, ओपी ग्रोजा ग्रोजा ही आगे नहीं आना चाहिए, 2 बंदे अब बिल्कुल भागने की कोशिश रिवाइव करेंगे। यहाँ पे नंबर 14 के सिर्फ एक ही बंदा बचा है अल्फा, यहाँ अपने रिवाइव करके 2 बंदे बचा अल्फा को नॉक किया, काफी तगड़ा नॉक किया पोक यू हॉक ने। यहाँ पे एमसॉप कवर फायर देंगे, ब्लीड ब्लीड को कवर फायर देंगे, हमने देखा था कई दिन का क्लोज नेट था एंड अल्फा वाज टू अल्फा बहुत क्लोज नहीं, अल्फा नहीं बच पाया, 20 टोपी नॉक हुए, काफी तगड़ा स्पोर्ट जिसके द्वारा अल्फा इसके अंदर काफी तगड़ा स्प्रे था। देखते हैं जिक्स और एमसॉप क्या करते हैं, क्या बचा पाएंगे, माफिया को यहाँ पे खत्म किए, माफिया को दोनों बंदों को खत्म किए, जिक्स ने दोनों बंदों को खत्म किया M16 पोर्ट टैप फायर से। यहाँ पे 20 टॉपी शायद रिवाइव हो सकते नहीं, बहुत मुश्किल है, 2 टीम्स 4 अलाइव यहाँ पे फायर से, यहाँ पे शायद हील बैटल कर रहे हैं, यस फायर से यहाँ पे हील बैटल कर रहे हैं, बिल्कुल हील बैटल करने के मूड में ही है, देखते कब तक ये बच पाएंगे। 7 पे पूरा जोन है,
नहीं यहाँ पे अल्फा खत्म होते, और ये बीर ने निकाल लिया चिकन डिनर विथ 549, 95, 14 एंड 16 फकिंग किल्स, और ब्लीड ने निकाले 16 किल्स। क्या ओपी खेला है ब्लीड वालों ने, क्या खेला है, वेल डिजर्विंग विन फॉर द ब्लीड। और एसपी काफी अच्छा था क्योंकि उन्हें पता था कि आगे जाएंगे तो बिल्कुल मरेंगे, हिल बैटल करके अपने आप को सेकंड पोजीशन तक लाए, वेल डन। अल्फा उन पे जोन का बीटी दे गया, ऊपर से उनको रिज नहीं था उन पे, सो यस होता है, इट वाज सैनॉक एंड इट वाज रियली वेल। आपको शायद बहुत मजा आया होगा सबको देख के। ब्रो रेक्ट का पोजीशन, बिल्कुल ब्रो रेक्ट का पोजीशन देखता हूँ, रेक्ट नंबर 16 में बहुत जल्दी खत्म हुए हैं। डाकू नंबर 13 पे, नंबर 12 पे सिंक, फेड नंबर 11 पे, नंबर 10 पे ड्रैगो, नंबर 9 पे टीम ओजी, 8 पे H4N, 7 पे 2OP, 6 पे बैड। बैड हमको लगा था अच्छा खेलेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, पर होता है, हो जाता है कभी कभार, थोड़ा नीचे ही खत्म हो गए, पिकअप हो गए। 5OP बॉय कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं, वही 4-5 4-5 में आ रहे हैं, पर उनको चिकन डिनर जीतना पड़ेगा। नंबर 4 यहाँ पे स्मोकी ओपी, काफ़ी स्मोकी ओपी का टीम थोड़ा दिक्कत में आता हुआ क्योंकि उनको उन्होंने सैंडविच हो गया था बीच से, सो वो नहीं कर आ पाए नंबर 3 के अंदर। अल्फा यहाँ पे अच्छा निकाले, किल्स नहीं निकाल पाए पर पोजीशन निकाले, एंड ब्लीड ब्लीड ओपी। चलिए आज ख़त्म करते हैं, एंड इट वाज रियली नाइस। एंड और ये फिर से याद दिला दूँ, दिस स्ट्रीम एंड दिस मैच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रोसिस गेमर, और ब्लीड अल्फा एंड हिज टीम को मिलता है 500 रुपीज़ एज स्पॉन्सर्ड। सो सी यू नेक्स्ट, कल मिलते हैं फिर से, टड़ा।